सत्रकाल तो देख रहे हो सी पंजाब हरियाणा हिमाचल में हर्षदीप कौर शॉर्ट एंड शार्प यानी घट समय ज्यादा खबर बिना ब्रेक की खबर का शानदार सफर आओ शुरू करते हैं खबर का कारोबार। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं गृहमंत्री राजनाथ सिंह नाल मिलन दा नहीं मिलिया समा कैप्टन कल दिल्ली विच करनगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैप्टन सूबे दी कानून व्यवस्था नूं लैके करना चाहुंदे सन गृहमंत्री नाल मुलाकात। कांग्रेसी आगुआं ने राजनाथ सिंह वल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं समा ना दित्ते जाण ते नाराजगी जाहर कीती। समा जरा बार बार मंगिया कल मंगिया सीगा अज वास्ते टाइम राजनाथ सिंह जी को यह किया सीगा कि लॉ एंड ऑर्डर दे उपर गल करना चाहते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री दे नाल एक मैंबर पार्लियामेंट है और लोकसभा दे अंदर कांग्रेस पार्टी वालों डिप्टी लीडर है इहदे बावजूद इन्ना सीरियस मामला होए एडा बड़े आदमी नूं ये टाइम ना देना मैं समझना कि यह बेरुखी है। दिल्ली दे ऑल इंडिया कांग्रेस दे दफ्तर दे विच एक प्रेस मीट करांगे और उत्थे असी सारा लॉ एंड ऑर्डर दी हालत दे बारे और जड़ी जड़ियां होर मामले हैगे उसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी डायरेक्ट प्रेस दे नाल मुखातब होणगे। पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गृहमंत्री नूं अपील की थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मिलन दा समां दे। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਆਖੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। कांग्रेस वालों कमलनाथ तो पंजाब कांग्रेस मामलों का इंचार्ज लगाए जाने विवाद थामदा नजर नहीं आ रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिते कमलनाथ तो क्लीन चिट दी सी तां सीनियर वकील एस एस फूलका ने कैप्टन वालों दी क्लीन चिट से सवाल खड़े किए ने। अमरिंदर सिंह ने कल दी प्रेस कॉन्फ्रेंस विच कहा कि पहली बारी कमलनाथ का नाम 2010 विच आया ऐसे लीडरां नूं शोभा नहीं दिंदा कम से कम अपना होमवर्क करके आया करो। जो ओडिशल कमिश्नर पुलिस सी उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर नूं रिपोर्ट भेजी उन्हें और रिपोर्ट दे विच भी लिखिया कि कमलनाथ उत्थे मौजूद सी। संजय सूरी जिसने वो रिपोर्ट दित्ती सी इंडियन एक्सप्रेस दे विच रिपोर्टर उसने आके मिश्रा कमिशन दे विच अपना एफिडेविट फाइल की जदों ये मॉब नूं इशारा करता सी पिछे हो जाओ पिछे हट जांदे सी उदू मगरों इहदी मौजूदगी दे विच फिर आके अटैक करते सी। फिल्म दिशम च जैकलिन फर्नांडिस वालों एक गाने च किरपान पाए जाने ते सिख भाईचारे ने जताया विरोध दिल्ली कमेटी ने सेंसर बोर्ड नूं लिखी चिट्ठी फिल्म तो गाने नूं हटाउण दी कीती मांग कांग्रेस विधायक राजकुमार बेरका ने इस पूरे घटनाक्रम नूं गलत दस्से होए सेंसर बोर्ड नूं निशाने ते लिया। ये एक बड़ा ही जिन्हों मैं कहना अश्लील तरीके दे नाल ये जड़ी एक लेडीज आर्टिस्ट ने कृपान दिखाई है मैं समझना कि ये सिखां दीआं भावनां ठेस नहीं बल्कि सारे पंजाबियां दीआं भावनां ठेस है। असी सारे पंजाबी इस दी निखेधी करदे हां असी सारे पंजाबी ये गल कहिंदे हां कि ये बार बार ये जिहड़ियां चीजां हुंदियां इन्हां नूं सजावां दिओ। मैं समझना कि जिहड़ा सेंसर बोर्ड है वह अपनी जिम्मेदारी दे नाल अपनी ड्यूटी नहीं अदा कर रहा नहीं निभा रहा और इहदा इसे गल दा कारण है कि अज बेचैनी जिहड़ी है समाज दे विच वधदी जा रही है और दंगे होण दा डर है। ये चाहिए है सेंसर बोर्ड नूं इहदे ते गंभीरता नाल विचार करे और अजिही किसी भी फिल्म नूं जिहड़ा है वह सेंसर करन तों पहले समाज दे कुछ लोगों नूं दिखा लेना चाहिए और उहदे विच समाजिक नुमाइंदे होने चाहिए। केंद्र सरकार ने लुधियाना खरड़ सिक्स लेन हाईवे नूं दित्ती मंजूरी 2000 करोड़ तों वध लागत तां होवेगा तैयार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकारी सैलान नूं सूबे दे विकास से बेहद अहम दस्सिया। पंजाब में खरार लुधियाना सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 95 इसके 4 और 6 लेनिंग को मंजूरी दे दी है। इस पर कुल खर्चा 2069 करोड़ आएगा। द टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज 2069.70 करोड़ एंड द टोटल लेंथ टू बी डेवलप इज 76 किलोमीटर्स। ये अपने आप में इसलिए बहुत जरूरी है कि जो चंडीगढ़ लुधियाना टोटल हाईवे है जिसका फर्स्ट ऑलरेडी चंडीगढ़ करर काम चल रहा है उसके दूसरे
लेग में ये काम हो रहा है और इसमें पूरे पंजाब की इकोनॉमी को, ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही मदद मिलेगी। कांग्रेसी आगू राजकुमार वेर का मुताबिक केंद्र सरकार वालों ये ऐलान सिर्फ चोणों नू वेख के किया जा रहा है। देखो मैं कहना है कि ये जिन्हें मर्जी रोड दिया मंजूरियां दे लन, ये रविशंकर प्रसाद जी ने आज जाके राजनीतिक रोटियां सेकन की खातर उ ड्रामा किया है और मैं एक गल कह रहा कि इन्हों कोई भी सड़क सरकार तो बचा नहीं सकती क्योंकि राह रस्ते ये सरकार नहीं है, रस्ते तो भटक चुकी सरकार है। हरियाणा में जाट अंदोलन अज होर चल सकता है लंबा, जाट नेता यशपाल मलिक का बयान नहीं आया कोई गलबात का सद्दा। दुष्यंत चौटाला ने टिंगरा कमीशन के चुके सवाल, 1952 एक्ट की गाइडलाइन के अनुसार नहीं होया कमीशन का गठन। टिंगरा कमीशन के दो बार बुलाने से भी नहीं पहुंचे साबका मुख्यमंत्री हुड्डा, जिस में सैक्टर 83 गुड़गांव की जमीन सौदे की जांच बनाया गया कमीशन। जब कमीशन बनती है या तो लोकसभा राज्यसभा से जॉइंटली पास होनी चाहिए और दूसरी ओर पर या स्टेट असेंबली से पारित होनी चाहिए और इन एब्सेंस कैबिनेट अप्रूवल के बाद कोई कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिए। मगर जिस तरीके से, जिस मंशा के साथ हरियाणा सरकार ने डिंगरा कमीशन बनाई और जिस जल्दबाजी में बनाई, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुँचाने के लिए इस तरह के कदम मनोहर लाल खट्टर द्वारा उठाए गए। हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का बयान, सूबे विच इसे हफ्ते तो लागू होगी फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री मनोहर लाल दे नाल हुई बैठक विच लिया गया फैसला। हरियाणा लोक सेवा कमीशन के चेयरमैन मनवीर पड़ाना नू धमकी मिलने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, FIR दर्ज होने एक महीने बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। अदालत ने हरियाणा ते मुंबई पुलिस नू पाई झाड़, फोन से 50 लाख रुपए ना देन दी एवज विच जानो मारन की मिली सी धमकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना मुलाकात तो बाद अच पार्टी प्रधान अमित शाह नू मिले हिमाचल प्रदेश के साबका मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सूबे के मुद्दे ते पार्टी की रणनीति ते हुई चर्चा, शाह नू हिमाचल आने का भी दिता सद्दा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा दे राज्यसभा मैंबर बनने ते अंबाला विच व्यापारी वर्ग ने मनाई खुशी, इस मौके मिठाइयां वंडिया गईयां ते जश्न मनाया गया। पुरानी अनाज मंडी एसोसिएशन के मुताबिक डॉक्टर सुभाष चंद्रा दे राज्यसभा विच जाण नाल व्यापारियों दीआं समस्यावां लई भी आवाज उठेगी ते हल भी निकलणगे। आज सबसे पहले तो सुभाष चंद्रा जी को मैं इस बात की बहुत बधाई देना चाहूंगा जिनका आज आम पब्लिक के अंदर उनके जीतने से यह संदेश गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य कर रही है उसके अंदर वो पूरी तरह सफल साबित हुई है। और आज पुरानी मंडी एसोसिएशन की तरफ से जो है सुभाष चंद्रा जी के ऊपरी सदन में जाने के उपलक्ष्य में आज पुरानी अनाज मंडी के एरिया के अंदर जो है लड्डू बांटने का कार्यक्रम जो है एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में LOC के कोल दहशतगर्दा नाल मुठभेड़, एक दहशतगर्द ढेर, 4 जवान जख्मी, एक जख्मी जवान शहीद, माचल सैक्टर तो घुसपैठ करने की फिराक में सन दहशतगर्द, मुठभेड़ जारी। जम्मू के एक धार्मिक स्थान से की गई भन तोड़ के चलद रात वे हिंसा तो बाद अज हालात ठीक, इसे मसले से जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी होया हंगामा, सारिया सियासी पार्टियां ने की शांति की अपील। जम्मू कश्मीर के साबका मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू में शांति व्यवस्था कायम है, धर्मां दे विचकार कोई मतभेद नहीं है। इस बार भी जब जम्मू में इस तरह के हालात बने हुए हैं, अच्छा होता अगर गवर्नमेंट के तरफ से ये अपील होती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ऑपोजिशन के तरफ से अपील आई और मैं इस अपील को आपके जरिए दोहराना चाहता हूँ कि इस रियासत में भाईचारा जो है वो कायम रहना चाहिए। हुकूमत को अपना काम करने दीजिए, जो इसके लिए कसूरवार है उनको सजा मिलनी चाहिए। जम्मू में हिंसा को लेकर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, विरोधी धिरां ने सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे से घेरिया।
जम्मू कश्मीर के डोडा में मिड डे मील खाने तो बाद कुछ बच्चे बीमार हो गए। इतों के सरकारी मिडल स्कूल में 30 बच्चों को मिड डे मील खवाया गया जिन्हों की तबीयत खराब हो गई। 6 बच्चों को हस्पताल ले जाया गया जिन्हों की हालत गंभीर सी पर डॉक्टर मुताबक हुण हालात ठीक ने। अमृतसर में नकली पुलिस इंस्पैक्टर का पर्दाफाश। पंजाब पुलिस का इंस्पैक्टर दस के घूमता सी शरेआम। पुलिस ने नाके दौरान किया गिरफ्तार। पुलिस वर्दी बैच से नीली बत्ती की बरामद। नाका लगा हुआ सी जिहदे विच एक I-20 कार आई नाके ते एंड उत्ते ब्लू बीकन लगी हुई सी एंड जदों उहनूं वेरीफाई किया गया तो पता लगा कि वह एक नकली इंस्पैक्टर सी। आई कार्ड वगैरह जो चैक किया वेरीफाई किया गया तो उहदे चों नकली इंस्पैक्टर पाया गया जिहनूं असीं दैन अपनी कस्टडी च लैके हुण बनदी कानूनी कार्रवाई करती है। जलंधर विच नशे दी खेप दे नाल फड़े गए 2 नाइजीरियन। 4 किलो हैरोइन नाल कैश भी बरामद। बठिंडा च काउंटर इंटेलीजेंस की टीम ने नकली खून बनाने के कारोबार का किया पर्दाफाश। मामले में गिरोह के मैंबर आए पुलिस गिरफ्त में। पुलिस ने किया खून के पैकेटों में भरिया ट्रक जब्त। जलंधर पुलिस ने सुलझाया कारोबारी को अगवा करने का मामला। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार जबकि अगवा किए कारोबारी को सुरक्षित घरे पहुंचा दिया। 2 पिस्टल से गोलियां भी की बरामद पर 2 मुलजम अजे भी फरार। फरीदाबाद पुलिस ने कीमती मूर्ति चोरी के इल्जाम 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मुलजमान ने 26 मई को दिया वारदात को अंजाम। हिमाचल प्रदेश के HRTC मुलाजमान ने वापस ली हड़ताल। सूबे में HRTC बस सेवा हुई बहाल। हाईकोर्ट की सख्ती तो बाद ली हड़ताल वापस। शिमला के HP यूनिवर्सिटी कैंपस में ABVP वालों प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी प्रशासन वालों लागू किए रूसा सिस्टम से रोक लगाने की की मांग। क्या रूसा लागू करना विद्यार्थियों का भविष्य ना खिलवाड़। श्री हरिमंदर साहब की चमक को बचावेगा टावर। PPCB और SGPC ने प्रदूषण मापन वाला टावर लगाया। 1,10,00,000 की लागत वाला टावर रोकेगा प्रदूषण। पानी की किल्लत नाल जूझ रहे ने आनंदपुर साहब के चंगर इलाके के लोग। पानी के ड्रमों नूं लोगों ने लाए ताले। लाखेड़ पिंड के लोगों ने वोटां दे बाइकआउट का किया ऐलान। पुराना खूह पिंड विच पानी का इको एक स्रोत। पटियाला के समाणा च डायरिया का कहर। हुण तक 7 लोगों की मौत। सेहत विभाग ने बनाई 3 मैंबरी कमेटी। 2 दिनों विच सौंपी गई अपनी रिपोर्ट। सेहत महकमे वालों लोगों नूं डायरिया तो बचण लई दित्ती जा रही है सलाह। चंडीगढ़ में हुण खंभिया ते नहीं लमकण गया बिजली दीआं तारां। बिजली दीआं तारां नूं कीता जाएगा अंडरग्राउंड। MP किरण खेर ने दी जानकारी। बिजली की सप्लाई नूं सुचारू बनाउणा है मकसद। केंद्र दा सूबियां नूं सस्ती दाल दा ऑफर। 66 रुपए अरहर तां 82 रुपए च मिलेगी उड़द दाल। टमाटर दी महंगाई ते बोले पासवान। जून तो अगस्त तक महंगा हुंदा है टमाटर। कैबिनेट ने मंजूर की नवी एविएशन पॉलिसी। रीजनल रूट के लिए तय किया 2500 रुपए किराया। एविएशन शेयर ने भरी रफ्तार। एशियाई बब्बर शेर के निवास गुजरात के गीर जंगल च शेरों की गिनती में जल्द होगा वाधा। 125 शेरनिया 100 शेरनिया हुई गर्भवती। जंगलात विभाग के कर्मचारी ते शेर प्रेमी खुश। गीर जंगल च शेरों की खुराक ते रहन सहन का रखा जाता है खास ख्याल। बिहार च खुलेआम नकल दे विचकार सामने आई उम्मीदां दीआं तस्वीरां। आरा च प्रिंसिपल लुकांदे विखे नकल दी पर्ची। उधर गया दे पिंड च बच्चियां ने IIT पास कर लिखी कामयाबी दी नवी इबारत। डेरा सच्चा सौदा दे नाम दर्ज होया वखरा रिकॉर्ड। खूनदान दी मुहिम च पूरे भारत विच पहले थां ते आया हरियाणा दा सिरसा। इकले डेरे विच हुण तक जमा हो चुका है कुल 4,63,162 यूनिट खून। पंजाब के अमृतसर पटियाला लुधियाना सने कई जिलों में बदलिया मौसम का मिजाज। सवेर तो पैके
पै रही है रोक रोक के। उधर हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में भी आज सवेर तो जारी है बारिश। अगले 24 घंटे लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। सूबे के मुख्य सचिव ने की सारे जिलों के डीसी नाल आफत प्रबंधन से चर्चा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद स्वदेश परती स्टार साइना नेहवाल अपने प्रदर्शन से जताई खुशी। क्या रियो ओलंपिक में मैडल जीतना है अगला टीचा। करते हैं कुछ कौमांतरी खबरों का। दुनिया के सब तो खतरनाक दहशतगर्दी संगठन आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने की खबर है। खास गल यह कि बगदादी के मारे जाने का दावा इस बार आईएसआईएस से जुड़ी एक न्यूज एजेंसी ने किया है। खबर के मुताबिक बगदादी यूएस कोलिशन फोर्सिस के हमले में मारिया गया। हालांकि कोलिशन आर्मी ने हुण तक इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। अमरीका में एक बार फिर तो गोलीबारी हुई है। टेक्सस स्टेट के एमरिलो के वॉलमार्ट स्टोर च गोलीबारी की घटना हुई है। ऑरलैंडो हादसे के बाद अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की काफी तिखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ओबामा ने कहा कि दहशतगर्दी संगठन आईएसआईएस खत्म करना अमरीका का मिशन है। ऑरलैंडो फायरिंग तो बाद एक बार फिर अमरीका में मुस्लिमों के आने पर रोक लगाने की मांग उठन लगी है। अमरीका च राष्ट्रपति अहदे के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका च मुस्लिमों के एंट्री से अस्थाई रोक लगाने की गल आखी है। पूरी दुनिया एकजुट होकर ऑरलैंडो के नाइट क्लब में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रही है। LGBT भाईचारे के प्रति एकजुटता विखाने के लिए पैरिस के एफिल टावर और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर ब्रिज को सत रंगा के इंद्रधनुषी रंगा ना रोशन किया गया। मनोरंजन जगत की खबर का। फिल्म वीरे की शादी च करीना कपूर खान और सोनू कपूर पहली बार वड्डे पर्दे से इकट्ठिया नजर आ रही ने। इस फिल्म सोनू की भैन रिया ते एकता कपूर मिलकर प्रोड्यूस कर रही ने। फिल्म बाहुबली पार्ट 2 का क्लाइमैक्स सीन शूट किया जा रहा है। इस सीन को शूट करने में लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो सुपरस्टार आमिर खान की आने वाली फिल्म दंगल का नवा पहलवान लुक सामने आ गया। इस तस्वीर में आमिर खान एक बार फिर गजनी वाले लुक में नजर आ रहे हैं। तो इस फिलहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही। मैं दो इजाजत। देखते रहो सी पंजाब हरियाणा हिमाचल।